चलिए अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं, वो है ऑप्शंस को लेकर। हमारे साथ एमसीएक्स के बुलियन हेड शिवांशु मेहता जी बने हुए हैं। शिवांशु जी, अब आपसे सवाल ये होगा कि सेबी से एमसीएक्स को मंजूरी मिल गई है मंथली गोल्ड के मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए, और अब तक बाई मंथली था, तो इसका क्या फायदा होगा, कॉस्ट के लिहाज से कितना फायदा होगा शिवांशु जी? और एक और सवाल, फ्यूचर्स की एक्सपायरी जब भी आती है तो एक्सपायरी से पहले हम देखते हैं कि ऑप्शंस के वॉल्यूम काफी बढ़ जाते हैं, तो क्या अब मंथली होने से क्या वो वॉलिटिलिटी कम होगी क्या? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। आपका सवाल काफी अहम है। और इनोवेशन देखिए हमारा थीम रहता है एज अ मार्केट लीडर। और ऑप्शंस में अगर आप पिछले क्वार्टर को देखते हैं, जैन टू मार्च इस ईयर का, ओवर द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर, तो ऑप्शंस में अच्छा खासा एक वॉल्यूम में एक अपटेक आया है। अगर मैं सिर्फ बुलियन की बात करूं तो बुलियन के अंदर Q4 22 में 1545 करोड़ का काम ऑन एन एवरेज डेली टर्नओवर बेसिस देखा गया है, और यही 790 था। और जहां तक क्लाइंट्स का सवाल है तो क्लाइंट्स के अंदर भी बहुत तगड़ा उछाल आया है। टोटल ट्रेड 2.5-3 गुना का उछाल आया है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए हम ये चाहते थे कि इंडस्ट्री के बेनिफिट में कुछ नए ऑप्शन प्रोडक्ट्स गोल्ड में लाए जाएं। सिल्वर में भी हमने रिसेंटली किया, गोल्ड मिनी का ऑप्शन भी लॉन्च किया। मगर जो अहम बात यह है कि गोल्ड 1 kg ऑप्शन एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है। 2017 में धनतेरस के दिन इसे लॉन्च किया था, तो 5 साल 4.5 साल का जो इसका इसका टेनर रह चुका है, बट बाय मंथली रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हेजर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, उनको इसी अंडरलाइन फ्यूचर पे एक और एक्सपायरी दी जाए जो कि मंथली एक्सपायरी होगी। यानी कि अगर कोई टेनर के हिसाब से प्रीमियम एक तो आधा हो जाएगा उसका, और हेजर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि उनके अपने एक्सपोजर को बाय मंथली बेसिस पे तो हेज कर ही रहे हैं, अब मंथली बेसिस पे भी उसी फ्यूचर पे कर पाएंगे, तो एक हेजिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। 3 लेग्स मिल जाएंगे, दोनों एक्सपायरीज का इंटरप्ले भी रहेगा, और जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फर्दर जुड़ेंगे। इस तरह के ये फायदे रहेंगे। आपने देखा है इक्विटी के अंदर भी इस तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो इस बाय मंथली फ्यूचर के अंदर मंथली एक्सपायरी और बाय मंथली एक्सपायरी, ये नया प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। भी इस तरह की तैयारी चल रही है क्या, सिल्वर और सिल्वर मिनी के लिए भी इस तरह के मंथली कॉन्ट्रैक्ट लाने की तैयारी है क्या, या इसकी मंजूरी लेना चाह रहे हैं, या सेबी से बातचीत चल रही है इसको लेकर? जी हाँ, देखिए हमारी जो प्रोसेस रहती है, प्रोडक्ट एडवाइजरी कमिटी में पहले रिकमेंडेशंस अगर आती हैं तो फिर उसे रेगुलेटरी फर्दर प्रोसेसेस से ले जाया जाता है, बट सोच डेफिनेटली है। और जैसा आपने देखा, हमने सिल्वर मिनी के बाय मंथली ऑप्शन तो लॉन्च कर ही दिए थे, और गोल्ड मिनी में जो वेरी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है कुछ ही दिन पहले, उसमें बहुत अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वो तो मंथली भी है, 100 ग्राम का भी है, यानी 1/10 वैल्यू का भी है, तो उसने अभी रिसेंटली 200 करोड़ का आंकड़ा परसों पार किया है। तो उस अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए हो सकता है सिल्वर में फर्दर ये सोच जो आप कह रहे हैं ये देखी जा सकती है। एक और सवाल, जिस तरह के वॉल्यूम क्लॉक ये एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल रहे हैं क्रूड में, उस तरह के बुलियन मार्केट में नहीं, अगर पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखें तो बुलियन में ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, क्या कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है क्या? हाँ, जैसा आपने कहा कि बाय मंथली को अब जब मंथली किया जाएगा तो उससे जो पार्टिसिपेंट बेस है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रीमियम कम हो जाएगा। प्रीमियम टेनर से लिंक्ड रहता है, तो रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए तो वो एक अहम चीज हो जाएगी। और गोल्ड मिनी और गोल्ड केजी में ये फर्क है, जैसा मैंने कहा एक मैच्योर प्रोडक्ट है तो जुड़ाव तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उन्हीं लोगों को ये जब सस्ता प्रीमियम दिखेगा तो पार्टिसिपेशन लिहाजा बढ़ेगी। और जो प्रोप्राइटरी और डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको, जैसा मैंने कहा कि 3 लेग्स, बिकॉज दोनों फ्यूचर्स की एक्सपायरी अल्टीमेटली उसी उसी दोनों ऑप्शंस की एक्सपायरी उसी फ्यूचर को बन के डिवॉल्व होगी, तो वो हेजिबिलिटी परफेक्ट है, तो चौतरफा रूप से इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिखने की उम्मीद है कॉस्ट फैक्टर की वजह से भी। शिवांशु जी, आपने वक्त निकाला और डिटेल समझाया, और आगे भी आपसे बात होती रहेगी। चलिए कुणाल जी, इस